नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जीमेल की सभी प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीमेल पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि दोस्तों आपका जीमेल एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीमेल से कोई भी ईमेल सेंड नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीमेल पर किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, और भी बहुत सारी जीमेल एप्लीकेशन में आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर लेना है, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि जीमेल की सभी प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करा, अगर आपके जीमेल एप्लीकेशन में कोई भी अपडेट आई है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जीमेल एप्लीकेशन को सर्च करना, अगर आपके जीमेल में कोई भी अपडेट शो हो रही है तो यहाँ पर आपको ओपन की जगह अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपकी जीमेल एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी, और अपडेट होने के बाद ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली जीमेल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और इसके बाद सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर डेटा और फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करना, और गाइस आपको ओके पर क्लिक करना है, जिससे कि इस एप्लीकेशन का जो है डेटा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप भी कर लेना है, फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, और ये करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ऐप परमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की सभी परमिशन को आपको जो है इनेबल कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह गाइस आपको सभी ऑप्शन को जो है अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से गाइस आपको जो है बैक आ जाना है। जी हाँ गाइस, इस ऑप्शन से बाहर आने के बाद आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको गॉट इट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको टेक मी टू जीमेल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जीमेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आपके जीमेल की सभी प्रॉब्लम जो है इस तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपने जीमेल की सभी प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से जो है फिक्स कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।